एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 से जुड़ी बड़ी अपडेट। बिल्कुल दोस्तों, मैं बता देता हूं, एसएससी को लेकर लगातार अभ्यर्थियों के डाउट चल रहा है कि सर कब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, कब तक नोटिफिकेशन जारी होगा। तो बिल्कुल दोस्तों, आज आप खुद सुन लीजिएगा, दिल्ली हेडक्वार्टर की आपको रिकॉर्डिंग में हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें आप खुद सुन सकते हैं कि आपका नोटिफिकेशन क्यों डिले किया जा रहा, आखिर कब आपका नोटिफिकेशन आने वाला, कब आपकी एग्जाम्स होगी, इसको लेकर सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आयु में छूट, नेगेटिव मार्किंग, इससे जुड़ी पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, वो रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एसएससी कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। तो चलो दोस्तों, देखते हैं सारी जानकारी, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी बता देता हूं। हम सभी फौजी भाइयों ने मिलकर, सभी जो वो गरीब परिवार के बच्चे जो लगातार तैयारी करते हैं और बोलते हैं कि सर हमारे पास में पैसे नहीं है या हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सभी के लिए बिल्कुल दोस्तों यूट्यूब पर पहली बार आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आए। बिल्कुल दोस्तों, कमांडो एकेडमी की तरफ से हमने भी दोस्तों 500 बच्चों के लिए फंडिंग रखी गई, पहले आएंगे उन 500 बच्चों के लिए हम भी बहुत ही बड़ा बिग सरप्राइज लेके आए। बिल्कुल दोस्तों, जितने हमने यूट्यूब से पैसे कमाए हैं, जितनी अर्निंग हुई थी, उनमें से कुछ हिस्सा हम अब बच्चों के लिए यहाँ पर खर्च कर रहे हैं, ताकि जिन बच्चों को जरूरत है कोचिंग करने की, साथ ही जिनके पास में पैसों की जरूरत है, जिनके पास में पैसे नहीं है तैयारी करने के लिए, ऑनलाइन तैयारी करने के लिए, तो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज लेके आए। तो बिल्कुल दोस्तों, क्या है वो बड़ा सरप्राइज, तो आज शाम को, बिल्कुल दोस्तों आज शाम को कमांडो एकेडमी पर यूट्यूब चैनल पर शाम 7 बजे ये बड़ा सरप्राइज आपको देने वाले। बिल्कुल दोस्तों, जितने भी हैं मेरी तरफ से 500 बच्चों को लिए, जो पहले आएंगे उन 500 बच्चों को ये बड़ा सरप्राइज दिया जाएगा। उसके साथ ही विराट सर की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ये सरप्राइज दिया जाएगा। तो बिल्कुल, अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल शाम 7 बजे बिल्कुल कमांडो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां जाके आप इसको जरूर अटेम्प्ट करें। आखिर ये बिग सरप्राइज है, वो कौन कौन से बच्चों को मिलने वाला है, और आप एसएससी जीडी में भर्ती होने का अपना सपना है वो साकार कर पाएंगे। अब मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुना देता हूं, जिससे आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती से जुड़े आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्ते, बताइए। सर कब तक आएगा एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन सर? हाँ, तो वो क्या है कि अभी तैयारी चल ही रही है, अब पता नहीं एसएससी क्या कर रहा है, नहीं क्या कर रहा है, क्योंकि अभ्यर्थी हमें भी बहुत ज्यादा कॉल मैसेज कर रहे हैं, काफी ज्यादा परेशान है। परंतु हमें जो इन्फॉर्मेशन अभी मिली है, एसएससी के सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके अकॉर्डिंगली अभी एसएससी जो तैयारी कर रही है वो कैलेंडर को लेकर तैयारी कर रही है। यानी अगर बात करें तो अभी अप्रैल में कोविड की वजह से आपके कई एग्जाम पोस्टपोन हो गए थे, तो उसको लेकर एसएससी कंप्लीट जो कैलेंडर है उस पर काम कर रही है कि हम पहले कैलेंडर जारी कर ले, कि आपको पता होगा कि जो एक साल का कैलेंडर होता है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सा नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कौन सा एग्जाम किस डेट से किस डेट के बीच में होगा। क्योंकि हमें भी बार बार ये कॉल मैसेज आ रहे हैं, अभ्यर्थी परेशान है, कई जो बात करें तो डेली बेसिस पर हजारों अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं, ओवरएज हो रहे हैं, तो अभ्यर्थी काफी ज्यादा परेशान है। बड़ी संख्या में पता है आपको कि इसमें अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो यहाँ लगातार अभ्यर्थी परेशान है। तो एसएससी आपका जिस जिस हिसाब से हमें सोर्सेज से पता चला है कि जो कैलेंडर है उस पर काम कर रही है, और एक फैक्टर यह भी है कि एसएससी इस चीज का भी वेट कर रही है कि जो बाकी स्टेट हैं जो अभी रिजल्ट आना है ट्वेल्थ का, उनका भी एटलीस्ट आपका रिजल्ट आ जाए या रिजल्ट आने वाला हो। क्योंकि अगर बात करें तो 45 डेज का समय है, आपको पता है कि मिलता है आपके फॉर्म भरने के लिए, तो एक अगर जुलाई से भी आपके फॉर्म आते हैं तो आपके अगस्त के मिड तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो उस टाइम तक लगभग सभी स्टेट बोर्ड या आपके जो भी सीबीएसई वगैरह है उनका रिजल्ट आ जाएगा। जो भी अभी करंट इन्फॉर्मेशन यही है कि जून के जो एंड तक है या अभी आने वाले 2 से 3 दिन जो आने वाला वीक है, इसमें अभी आपका जो कैलेंडर है वो एसएससी प्रिपेयर कर चुकी है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग, और एसएससी जारी कर सकती है। बाकी दोस्तों आपको वेट करना पड़ेगा कि कब तक ये सारी चीजें होने वाली है, क्योंकि एसएससी भी इसको पूरा काम कर रही है, क्योंकि बाकी कई सारी वैकेंसी इसकी वजह से अटकी हुई है। तो यहाँ ये नहीं है कि एसएससी काम नहीं कर रही, एसएससी तो काम ही कर रही है,
बाकी जो कई स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ कोविड अभी आपका जो लॉकडाउन है वो भी नहीं खुला, वो भी एक फैक्टर है इसमें, क्योंकि साउथ में अभी भी जो केसेस आ रहे हैं तो वो भी एक फैक्टर है कि वैकेंसी वहाँ कैलकुलेट नहीं हो रही होगी। पहले आपका जो पोस्टपोन हुआ था वो कोविड की वजह से हुआ था, क्योंकि SSC कई एम्प्लॉय है वो आपके वहाँ पॉजिटिव पाए गए थे, तो इसकी वजह से लगातार हो रही है। परंतु SSC तो आपकी काम ही कर रही है जिस हिसाब से सोर्सेज से खबर मिल रही है, क्योंकि ऐसी पुख्ता कोई भी जानकारी किसी के पास भी नहीं है। SSC के जो एम्प्लॉय है उनको छोड़कर किसी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। परंतु आपको अगर बात करें तो स्टूडेंट को यहाँ डरने की जरूरत नहीं है कि नोटिफिकेशन 2022 में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो बाकी आगे की जिसमें दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आनी है वो आ जाती, अगर ऐसा होता है कि 2022 में वैकेंसी आती तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सर SSC ने तो पहले 25 मार्च को ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई के लिए बताया था, जो कैलेंडर पहले जारी हुआ था, लेकिन बाद में उसे पोस्टपोन कर दिया। वो तो चलो सर कोई बात नहीं, कोविड की वजह से कर दिया, लेकिन सर अब तो करना चाहिए ना वो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी, क्योंकि SSC की तो तैयारी होगी ना पूरी 25 मार्च से अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे थे तो। नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है, तैयारी इतनी जल्दी नहीं होती। वो पोस्टपोन पहले जो 25 तारीख को पोस्टपोन हुआ था तो SSC ने भी अपना स्टेटमेंट दिया था कि वो कई राज्यों की वैकेंसी कैलकुलेट नहीं हो पाई थी, उसकी वजह से वो उसको पोस्टपोन किया गया था आपके 1 मई तक, मई के फर्स्ट वीक तक किया गया था। उसके बाद में वहाँ हेडक्वार्टर में कुछ आपके पॉजिटिव आ गए थे तो उसकी वजह से फिर पोस्टपोन करना पड़ा था। जो मीडिया चैनल से बता रहे हैं काफी ज्यादा, उनमें कुछ सच्चाई भी है, कुछ आपकी फेक न्यूज भी है, जैसे कि 50% मार्क्स वाली है, तो ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों में हम बात करें तो 50% की कोई बाध्यता नहीं होती है। SSC किसी भी एग्जाम में 50%, 40% या 60% की बाध्यता नहीं रखता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बाकी आपको वेट करना पड़ेगा ऑफिशियली नोटिफिकेशन का, और SSC शायद काम ही कर रही है और आपको जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। परंतु अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखेंगे तभी आपकी सारी चीजें हैं वो होने वाली है, क्योंकि फॉर्म आपको एक टाइम भरना है, फॉर्म तो आ ही जाएगा, क्योंकि ये तो नहीं है कि इतनी बड़ी वैकेंसी होती है करोड़ों, अब की बार लग रहा है कि 70-80 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। तो SSC इस पर काम कर रही है, एज को लेकर भी अभ्यर्थियों के डाउट है तो उसको लेकर भी जब ही क्लियर हो पाएगा, परंतु बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि बाकी वैकेंसी 2020 की वैकेंसी 2021 में आई थी उसमें भी किसी में रिलैक्सेशन मिला नहीं था। जी सर एक बात और सर, ये जो एग्जाम के जो पहले कैलेंडर जारी हुआ था जिसमें 25 मार्च से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने थे, तो सर उसमें जो एग्जाम डेट थी SSGD की वो अगस्त में बता रखी थी, तो क्या अगस्त में हो पाएगी एग्जाम, क्योंकि अभी सर SSC 10+2 के सभी एग्जाम पोस्टपोन कर दिए MTSC GL के, तो क्या इसका एग्जाम अगस्त में हो पाएगा अगर जून में या जुलाई फर्स्ट में अगर नोटिफिकेशन आता है तो? नहीं नहीं एग्जाम तो आपको पता है कैसे हो पाएगा, 2 से 25 अगस्त का डेट है, आज भी अगर फॉर्म चालू हो जाते हैं SSC GD के तो आपको 45 दिन का समय दिया जाएगा, यानी अगर बात करें तो लगभग है वो 1 से 2 अगस्त तक आपके फॉर्म फिलअप होंगे, तो एग्जाम करवाना तो इस टाइम पॉसिबल ही नहीं होगा, और इतना बड़ा एग्जाम होगा तो ये जो आपकी अभी एग्जाम होने वाले हैं उसके बाद ही पॉसिबल आई थिंक हो पाएगा। बाकी सारी चीजें आपका कैलेंडर पे डिपेंड है कि SSC क्या डिसीजन लेती है, कई अभ्यर्थी MTS को लेकर भी परेशान है कि MTS 1 जुलाई से होगा या नहीं होगा, तो सारी चीजें SSC डिसाइड करने वाली है। हम बस ऐसा बता सकते हैं कि ये सोर्सेस से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वही बता सकते हैं, बाकी किसी भी चीज की कोई कंफर्मेशन SSC के जो अधिकारी हैं उनको ही पता है, बाकी किसी को ये नहीं पता कि मैं ये बोल दूं कि 15 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा या 10 तारीख को आएगा, तो ये सारी फेक इन्फॉर्मेशन होती है। बाकी सोर्सेस से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वही आपकी बता सकते हैं, बाकी ऐसा कोई कंफर्मेशन कोई भी फिक्स डेट है वो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि SSC 2 दिन पहले डेट चेंज कर सकती है, उसके सारी चीजें उसके हाथ में होती है। जी, हाँ तो सारे यही है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे से अपनी तैयारी करनी चाहिए, नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है, बाकी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए जो ऑफिशियली आपकी सारी चीजें आने वाली उसका। जी सर थैंक यू सर। ओके ओके थैंक यू।